नमस्कार, रीवा जिले से एक बार फिर मैं माहौल क्या है लेकर हाजिर हूँ। आपने ग्रामीण क्षेत्रों का और खास करके प्रयागराज से रीवा के रास्ते में मैंने आपको माहौल क्या है दिखाया। आज मध्य प्रदेश में नामांकन की आखिरी तारीख है और मैं रीवा की जिला कचहरी में आया हूँ, जहाँ अलग अलग पार्टियों के और अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के लोग पर्चा दाखिले के लिए आए। थोड़ी देर यहाँ का माहौल क्या है जानता हूँ और फिर इसके बाद आपको रीवा के अलग अलग इलाकों में फिर आज ले जाने का काम करूँगा। सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पर एक प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के, जो कि रीवा की एक विधानसभा मनगवा है, वहाँ के 3 बार के सिटिंग MLA का टिकट काट करके नरेंद्र प्रजापति जी युवा चेहरा है, इनको टिकट मिला है। तो आपने तो एक काफी टाइम से जीत रहे नेता का टिकट ही कटवा दिया सिटिंग विधायक का, सुना? पार्टी में टिकट काटा नहीं जाता है और ना ही कटता है। संगठन का एक व्यवस्था होती है, उस संगठन के हिसाब से कब कहाँ किसको लाना है रखना है। भारतीय जनता पार्टी में प्रत्येक जो कार्यकर्ता है, नेता की शब्दावली का उपयोग बहुत कम ही होता है, सारे कार्यकर्ता होते हैं और कार्यकर्ता होने के नाते ही मुझे चुना गया। अच्छा, एक बात लोग कह रहे थे कि जो सरकार के लंबे समय का कार्यकाल की एंटी इनकम्बेंसी है, उसको ख़त्म करने के लिए कुछ जो सिटिंग विधायकों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, उन्हीं के टिकट काटने का काम पार्टी ने किया है। आप ये मानते हैं कि सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी और आपके क्षेत्र में आपके विधायक के खिलाफ, उससे ऐसा किया गया? नहीं, ऐसा नहीं है, कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है और ना भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी है। ये एक व्यवस्था होती है कि सतत प्रक्रिया है विकास की, और जो भी कार्यकर्ता होते हैं, जो संगठन के लोग होते हैं, तो उन्हें सेलेक्ट किया जाता है, उस प्रक्रिया के तहत ही मेरा पर्चा दाखिल कर दिया। आज जमा? कब? आज ही? नहीं, आज तो मैं बी फॉर्म जमा करने के लिए आया था, पर्चा मेरा 27 तारीख। ये जो कहते हैं कि प्रत्याशी पहले पर्चा, बड़ी पार्टियों के, हाँ, पहले पर्चा दाखिल कर लेते हैं, आखिरी दिन कुछ डमी कैंडिडेट्स का भी पर्चा दाखिल करवाने आते हैं, ऐसा भी कुछ? नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, सिंगल फॉर्म है और सिंगल फॉर्म ही सबमिटेड है। चलिए ठीक है, हमारी तरफ से आपको शुभकामनाएं। जी, धन्यवाद आपका। अब मैं आपको दूसरी तरफ ले चलता हूँ। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के जिस विधानसभा क्षेत्र के ये उम्मीदवार थे, उसी विधानसभा क्षेत्र की उम्मीदवार बबीता साकेत जी कांग्रेस पार्टी की है। थोड़े ही दूर पर दोनों प्रत्याशी खड़े हैं। आपने पर्चा दाखिल कर लिया? जी भाई साहब, कर लिया। कब? हम पर्चा तो दाखिल कर दिए थे, आज सेकंड डालने आई हूँ। दो क्यों? वो पहले में कुछ नहीं? नहीं, कुछ नहीं था, क्योंकि 3 डालते हैं तो डाल दिया, आज सिंबल जमा करने आए थे। जी, तो ये जो आपके क्षेत्र से इतनी बार के विधायक हैं, उनकी जगह नए विधायक, नए प्रत्याशी को उतारा है, तो आप पहले चुनाव लड़ी हैं? हाँ, मैं 18 में लड़ी थी कांग्रेस के खिलाफ, कांग्रेस पार्टी से लड़ी थी, हम किसी के खिलाफ नहीं, मैं कांग्रेस पार्टी से लड़ी थी। उसी विधानसभा से? जी, मनिगमा से। अब मनिगमा ही तो सुरक्षित है भाई साहब, बाकी कहाँ से लड़ूंगी? अरे, महिलाएं कहीं से लड़ सकती है? मनिगमा सुरक्षित है, मनिगमा से ही मैं कांग्रेस पार्टी से चुनाव 18 का लड़ी थी। तो 18 और इस बार में क्या फर्क आपको दिख रहा है? जनता परिवर्तन चाहती है, सरकार बदलना चाहती है। लेकिन आपके खिलाफ तो BJP ने युवा प्रत्याशी दे दिया, बोल रहे हैं फ्रेश। ठीक है ना, युवा दे दिए तो अच्छी बात है, वो युवा हैं, मैं थोड़ा सा उनसे ज़्यादा परिपक्व हूँ, मैं 50 साल की हूँ। युवा दे दिए, अच्छी बात है, भारतीय जनता पार्टी दी है, कांग्रेस पार्टी हमको दी है। एक बात बताइए, मैं यहाँ आया, आप लोग दोनों ऐसा जैसे लग रहा है कि आप देखना चाह रहे हैं कि नामांकन के अंतिम दिन यहाँ क्या खेल हो रहा है, दोनों थोड़ी थोड़ी दूरी पर खड़े हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, वो मेरे छोटे भाई हैं, दल उनका अलग है, बाकी हम लोगों का भाईचारा है, आदमी एक दूसरे से बात करता है, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए ठीक है, आपको हमारी शुभकामनाएं। धन्यवाद भाई साहब। अब मैं आपको दूसरी तरफ ले चलता हूँ, और यहाँ भी असल में क्या है, नामांकन के आखिरी दिन कचहरी का माहौल बिल्कुल अलग और बड़ा मजेदार भी होता है, कुछ वो दिखाता हूँ, फिर आपके ले चलता हूँ। पर्चा दाखिल करने आए? जी सर। जी सर, कौन सीट से? 75 गुड़, 75 गुड़। अच्छा, गुड़ विधानसभा, यहाँ से नागेंद्र सिंह जी BJP वाले? हाँ होंगे। हाँ जी, होंगे क्या है? हाँ, मतलब आप उनका होंगे तो होंगे, लेना चाहते
हम अपना देखते हैं और कौन है कौन नहीं वो बताएंगे कौन है, हम अपना 75 से हैं जी। अरे मैं समझ गया, गुड़ विधानसभा से नागेंद्र सिंह जी बीजेपी के कई बार विधायक हैं, वरिष्ठ नेता हैं, और कपिल ध्वज सिंह को कांग्रेस ने दिया है, एक आम आदमी पार्टी के भी नया 25-26 साल। आप किस पार्टी? हम JDS जनसेवा ड्राइवर पार्टी। जनसेवा ड्राइवर पार्टी, जनसेवा ड्राइवर पार्टी जी। ये क्या है? पार्टी है, पार्टी है ड्राइवरों की, उसमें जन भी है ड्राइवर भी है। जनसेवा ड्राइवर पार्टी, ड्राइवर भी है जन भी है। ये रीवा के है जी? हम गोविंदगढ़ बांसा के हैं। ये पार्टी कहाँ की है? पार्टी पूरी राष्ट्र में है, अहमदाबाद में इसका मुख्यालय है। प्रवीण तिवारी इसके अध्यक्ष हैं, प्रांतीय अध्यक्ष हमारे विनोद पांडे जी हैं। पर्चा दाखिल करने में कितना पैसा लगता है? 10,000 उसकी सिक्योरिटी जमानत राशि, और प्रपत्र बनवाने में कम से कम 10,000 उसको भी मान लो। हो गया जुगाड़ू? हाँ हो गया। का पार्टी दिए या कैसे? नहीं वो तो हम खुद कर रहे हैं, पार्टी हमको ये टोपी ये गमछा बस जी। 5 आदमी हैं पर्चा दाखिला के लिए? हाँ नहीं आपको आने नहीं दिए ना, और सब रुक गए वहाँ, रोक दिए वहीं। तो आप क्यों पर चुनाव लड़ रहे हैं? क्या है कि जो विकास है न्याय संगत है, एक न्यायोचित विकास और समता मूलक समाज की स्थापना के लिए हम, जनसेवा के लिए। इतना आजकल चुनाव में पैसा खर्चा होता है, इतने बड़े बड़े नेता, हेलीकॉप्टर, सब कुछ, इतना पैसा खर्चा होता है, उसमें आप लड़ पाएंगे चुनाव? अरे इसमें कोई करते रहे खर्च, जिसके पास होगा करेगा, जिसके पास नहीं होगा वो नहीं करेगा, लेकिन जनता जिसको बड़ा बनाएगी वो बड़ा बनेगा, बाकी प्रत्याशी तो सब बराबर हैं। पैसा है तो उसके लिए है, खर्च करने के लिए है तो उसके है। वोटर होशियार है, वोटर होशियार है, अपने मन का आदमी चुनता है। बहुत उदाहरण है, कहिए तो बताएं हम आपको, कहिए तो हम बताएं उदाहरण आपको क्या? एक बार रामपुर सीट से हर्ष सिंह कांग्रेस, प्रभाकर सिंह भाजपा, वहां की जनता ने गणेश बारी को चुन के विधानसभा भेज दिया, समझिए। सुखलाल कुशवाहा, श्रीनिवास तिवारी और अर्जुन सिंह को लोकसभा सीट सतना से हरा दिए। कई अभी जो पंचायत के चुनाव हुए हैं तो जिला पंचायत में जो साइकिल से प्रचार कर रहे थे वो जीत गए, स्कॉर्पियो पैसा वाले हार गए। इसमें जनता बड़ी है, लोगों के सोच में कमी है। हम फार्म भरने आए थे विधानसभा का। चुनाव लड़ेंगे जी? भर दिया जी। 5 लोग थे आपके साथ जी? पहले भी लड़े? बिल्कुल। किस विधानसभा? रीवा विधानसभा से। इस शहर जी? तो किसी पार्टी से? निर्दलीय, स्वतंत्र। तो चुनाव लड़ने में आपको क्या मजा आता है? चुनाव हमको लड़ने में मजा नहीं आता। यहाँ सेवा के लिए मैं राजनीति कर रहा हूँ, राजनीति एक सेवा का माध्यम है, इसलिए मैं आया हूँ। देखिए सत्ताधारी दल के लोग जा रहे हैं, देखिए उम्मीदवार हैं। इस धरती पर हर तरह के विचारधारा के लोग हैं, हर विचारधाराओं का अपना अपना विचार है। हमारा जो विचार है सत्य का विचार है, हम सत्मार्ग में ही चलेंगे, चाहे कोई भी परेशानी आ जाए हम सत्य को नहीं छोड़ेंगे। बाबा है, पूजा पाठ कीजिए, चुनाव लड़ने की क्या जरूरत है? पूजा पाठ इसीलिए किया गया है, जब हम जान गए हैं तो पूजा पाठ कर लेने भर मात्र से काम नहीं चलेगा। जब यहाँ हमारी जनता दुर्दशा की शिकार होगी, हम चुप बैठे रहेंगे तो हमारे इस धर्म का कोई मतलब नहीं होगा मेरे प्यारे। अन्याय हो, अत्याचार हो, हम देखते रहे, अन्याय करना पाप है, अन्याय देखना उससे बड़ा पाप है, अन्याय हम नहीं देख सकता हूँ। चुनाव लड़ रहे हैं जी सर, पर्चा दाखिल करने जी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हाफिज मोहम्मद अली है सर। क्या करते हैं? मैं मदरसा स्कूल पढ़ाता हूँ और मस्जिद में नमाज पढ़ाता हूँ। नमाज पढ़ाते जी? अभी एक आए थे बाबा जी चुनाव लड़ रहे हैं, आप जो है ये मुल्ला और पादरी और महंत यही लोग चुनाव लड़ेंगे? असली समाज सेवा तो हम ही लोग करते हैं सर, क्योंकि कोई भी शुभ कार्य होता है तब भी हम लोग ही कथावाचक हैं,
और फातिहा वगैरह पढ़ने जाते हैं, प्रवचन करते हैं, खिताबत करते हैं, नमाज पढ़ाते हैं, नमाज जनाजा पढ़ाते हैं। करो चुनाव क्यों लड़ रहे हो? तो अगर असली समाज सेवा है, समाज का सही मार्गदर्शन देना है, तो आगे आना ही पड़ेगा। दबे कुचले असहाय निर्बल दुर्बल की आवाज को उठाना है तो आगे आना ही पड़ेगा। पांच आदमी तो आपका पर्चा दाखिला में साथ है नहीं? मेरे पीछे कम से कम नहीं तो 150-200 आदमी लगे हुए थे, सब पंडाल के बाहर खड़े हुए हैं, 8-10 गाड़ियां थी। पर्चा दाखिल हो गया या करना? अभी करने जा रहे हैं सर। तो ये 10,000 रुपए भी तो लगते हैं। तो ये तो सब जमा हो, रसीद कट गई ना सर। कम वोट पाने पर जमानत जब्त जानते हैं? जमानत जब्त नहीं होगी, हम लोग हमेशा हर विधानसभा में, रीवा जिले की कोई भी ऐसी विधानसभा हो ना जहाँ हमारे 10-15-20 हजार वोट ना हो, इंशाल्लाह पूरी कोशिश की जाएगी। किसका? मुसलमानों का? मैं मुसलमानों की बात नहीं करता हूँ, मैं सभी वर्ग विशेष की बात करता हूँ। मैं हिंदुत्व की और मुस्लिम की बात नहीं करता हूँ, मैं हिंदुस्तान की बात करता हूँ, मैं अपने विंध्य प्रदेश की बात करता हूँ। आप लोग इसमें वो कैंडिडेट है क्या? जी जी। कौन है ना अपने? जी सर। और लाभ कमलधारी भाई? कमलधारी भाई क्या प्रत्याशी है? यहाँ 3 प्रत्याशी है। पार्टी कौन सी है? भारतीय शक्ति चेतना पार्टी है। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी कहाँ की है? ये हमारी ब्योहारी केंद्रीय कार्यालय है, ब्योहारी शहडोल जिला। अच्छा, मध्य प्रदेश? जी जी, मध्य प्रदेश। तो आपकी पार्टी का क्या नारा, क्या विचार? पार्टी का नारा है कि पूरे भारत देश को नशा मुक्त भारत देश बनाना, अपराध मुक्त भारत का निर्माण करना और मांसाहार मुक्त भारत का निर्माण करना, ये हमारे पार्टी का मूल उद्देश्य है। नामांकन के आखिरी दिन जिला कचहरियों का माहौल बिल्कुल अलग सा होता है, इसीलिए मैंने सोचा आज आपको रीवा के पहले जिला कचहरी का माहौल दिखाऊं जहां पर्चा दाखिल हो रहा है। कुछ एक पार्टी है, एक और पार्टी के लोग मिल गए जिसके कई कैंडिडेट यहां पर है, और इस पार्टी का नाम संविधान के सम्मान में मूल निवास पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक है। आप पार्टी से कितना उम्मीदवार लड़ रहे हैं? हमारी पार्टी से रीवा की 8 विधानसभा से कैंडिडेट लड़ रहे हैं। और अभी लड़ रहे हैं? हाँ, मैं कैंडिडेट हूँ सेमरिया विधानसभा का। सेमरिया जी। और कौन कौन है कैंडिडेट आप? हमारे यहाँ कैंडिडेट हैं माननीय अग्निवास यादव जी हैं, आप जिला अध्यक्ष हैं, गुड़ विधानसभा से कैंडिडेट हैं, और हमारी कैंडिडेट त्योथर से हैं, सिरमौर से हैं एडवोकेट रोहिणी कुशवाहा, देवतालाब से हैं, मऊगंज से हैं। आप भी कैंडिडेट हैं? नहीं, हम कैंडिडेट नहीं हैं, हम आम नागरिक हैं, आम जनता हैं। ये इसी पार्टी से? हम किसी पार्टी से नहीं हैं। तो फिर तो पार्टी वाले लोग हैं? तो आए हैं हम भी देखने हैं, यही सब है तो माहौल चल रहा है, खासकर आपको देखने आए हैं कि रीमा का माहौल क्या है। मैं तो ऐसे ही पता करता रहता हूँ। राजीव रंजन जी, आप तो एक ऐसे चहेते हैं भारतवर्ष में, आप निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारों में से एक। अरे बहुत बहुत शुक्रिया, मैं तो सोचा इसी में कैंडिडेट आप भी हैं और तो मैं आपसे बात कर रहा, लेकिन आपको देखा हमको बहुत खुशी हुई। अरे मुझे बहुत खुशी हुई। अच्छा, आपके फैन शायद ज्यादा यहाँ दिख रहे हैं। कोई बात नहीं, सबका प्यार। आप ये मुझे बताइए, ये पीपल्स पार्टी डेमोक्रेटिक, ये जो नारा आपका है संविधान के सम्मान में मूल निवासी मैदान में, इससे ऐसा लगता है कि कोई आदिवासी बैकग्राउंड वाली या उन्हीं की प्रमुखता वाली, क्या मूल निवासी का क्या मतलब? क्या देखिए, आज जो हमारी पार्टी है, ये हम लोग भारतीय संविधान को मूल में रखकर, जो संविधान के सिद्धांत है वो हमारी पार्टी के सिद्धांत है, वो हम भारत के लोगों में लागू कराना चाह रहे हैं।